अखिलेश यादव अपनी हर चुनावी चाल बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। कैसे मायावती को अपने महत्वाकांक्षी चाचा शिवपाल को निपटाया, कैसे नेताजी को किनारे लगाया, कैसे चौधरी अजीत सिंह को साथ में चिपकाया और कैसे प्रियंका वाड्रा से मिलकर बहन जी को किनारे लगाने की प्लानिंग की, लेकिन एक जगह उनकी होशियारी काम नहीं आई। इसे होशियारी ही कहेंगे कि नामांकन खत्म होने के पहले तक सिर्फ काशी ही नहीं कई सीटों पर सस्पेंस बना कर रखा। उनकी कोशिश बीजेपी को सरप्राइज देने की थी, इसलिए रातों रात शालिनी यादव को कांग्रेस से अपनी पार्टी में लाए, काशी का टिकट दिया, फिर अगले ही दिन तेज बहादुर को टिकट थमा दिया। अब फिर टिकट शालिनी यादव के पास है, लेकिन इस खेल में उन्होंने अपनी फजीहत करा ली। लेकिन ये बात तो सिर्फ काशी की है, मिर्जापुर, बरिया और महाराजगंज में भी अखिलेश ने काशी वाली होशियारी दिखाई। मिर्जापुर में पहले राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनसे टिकट लेकर रामचरित्र निषाद को टिकट थमा दिया। महाराजगंज और बलिया में तो कार्यकर्ता अंत तक इस बात का इंतजार करते रहे कि उनका उम्मीदवार कौन है। नामांकन खत्म होने के अंतिम दिन अखिलेश ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। अखिलेश ने ऐसा क्यों किया ये तो वो ही जाने, लेकिन इस खेल का कोई फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं देता। जानकार मानते हैं कि बीजेपी को चौंकाने की अखिलेश की होशियारी कहीं उन्हीं को ना चौंका दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।